आज से हम लोग भारतीय इतिहास का घटनाचक्र सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में जो है हमें पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य है वो कहाँ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन मिलता है उसमें कौन सा रंग यूज किया गया है? हड़प्पा में लाल रंग का मिट्टी का बर्तन मिलता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल जो है वो हड़प्पा का एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा स्थल है? लोथल अभी हमने पहले भी देखा था, ये 67th BBSC में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली जो है, बनावली से, ये बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हरप्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हरप्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेतों का निशान मिला है। कहाँ से मिला है जुते जुते हुए खेतों का निशान? तो कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि बोग जकोई जो है इसका महत्व है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोग जगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोग जगोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं
ना सत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भी भारत में आए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूसनी नदी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध परूसनी नदी, अभी के वर्तमान समय में परूसनी नदी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो रावी नदी यानी परूसनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। किसने हराया? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुदु, यदु, पुरु, तुर्वशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। मतलब 10 राजाओं का युद्ध क्यों हुआ था? इसका मेन रीजन पता है, विश्वामित्र जो थे इनको प्रेस्टीजियस पोजीशन राजा के द्वारा नहीं मिला था, तो इसीलिए वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये युद्ध करवाया था, लेकिन हार गए। उसके बाद इनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, फिर ये गायत्री मंत्र लिखे थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौमा मंडल जो है, नौमा वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नौमा मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद में कुल कितना है? 10 मंडल है। नौमा मंडल क्या है? नौमा में सोम के बारे में लिखा गया है, उसमें 114 मंत्र है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10म मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10म मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सेम क्वेश्चन ही है, तो ये सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम और इस पे पर नामाकृत देवता का न। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में दिया गया है। इसके अभी मैंने थोड़े ऊपर ही बताया था कि ये जो है विश्वामित्र ने लिखा है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। जो हमारा गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वैशेषिक जो है, वैशेषिक ने भारतीय दर्शन के परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कन्नद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर और बुद्ध के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी शिक्षा कौन कौन सी है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुंडल ग्राम में हुआ था। देख रहे हो कितने बार पूछा गया ये क्वेश्चन। महावीर और बुद्ध हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? अभी हमने देखा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? मैंने कहा है ना, महावीर और बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको जरूर पढ़ के जाएं। तो महावीर जैन की मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी। इनकी जन्म कब हुई थी? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली के कुंडा ग्राम में।
इसको कहीं मेंशन कर लेना, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, महावीर का जो पहला शिष्य है ये जमाली, और जमाली कौन लगता है, इनका दामाद लगता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चौदह पूर्व जो है सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रवाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अविधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से में समान नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इनके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को अवश्य बताया। तो दोनों में किस में अंतर नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से इन दोनों में समान कौन सा नहीं है, तो आत्मदमन। अगला प्रश्न है, बौद्ध में बोधि वृक्ष अपने अंश की इस पीढ़ी का है। अभी जो बोधि वृक्ष है बोधगया में, वो किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं को आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की
प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पुनः नियंत्रण एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयीन थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयीन थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन जो है उन्होंने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयनित किए थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयीन जो है उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, जिसको हम गिरिव्रज भी बोलते हैं, वो जो है राजगृह या गिरिव्रज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हरियंक वंश जो है, हसीना मान जाएगी। हरियंक जो है आजाद शत्रु के वंश का नाम था। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मणी लिपि को जो सर्वप्रथम है वो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियाकर्ष, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो है ये सेलुकस का दूत था। सेलुकस किसके साथ आया था? सेलुकस सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर के मृत्यु के बाद सेलुकस ने कमान संभाला और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे मेगास्थनीज को भेजा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ में जो है, जूनागढ़ में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का जो है वो सबसे ज्यादा झुकाव जैन धर्म के प्रति था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया। गुप्त सम्राट
जिसने हूनों को पराजित किया। हूनों को पराजित करने वाला ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट है? तो स्कंदगुप्त जो है वो हूनों को पराजित किया था। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि 455 ईसा पूर्व में हुआ था, स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता कुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूनों के कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम लोग अप्रहत कहते हैं। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून ने कब यात्रा की थी? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के दौरान सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल ने हेनसांग जो है हेनसांग ने ह से हर्षवर्धन ह से हेनसांग हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय पीरियड में, समय काल में। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम राज तरंगनी है। कल्हण की पुस्तक का नाम राज तरंगनी है। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ये उदंतपुर किसका नाम है? बिहार शरीफ का नाम उदंतपुर है। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिसिंह जो है वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो नान्यदेव, और अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृष्ट हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृष्ट हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कौशे कनिष्क, कौशे कश्मीर। तो कब हुई, कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और ये कौन सी बौद्ध सभा थी? ये चौथे नंबर की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसका भी चार्ट बना करके याद कर लेना कि कहाँ, कब, किसके द्वारा और इसके अध्यक्ष कौन थे। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण ले लिया था, उसके बाद उनका जो पहला संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में हुई थी। हमने पहले पढ़ा था कि महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बोध गया में किनको प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बोध गया में कहाँ पे मंदिर बनाया गया है?
तो जहाँ पे ज्ञान, बोध गया में क्या हुआ था मेनली, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो मंदिर कहाँ बनेगा जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। कनिष्क, चौथा बुद्ध संगति किसने करवाया था, कनिष्क। कनिष्क कहाँ पे करवाया था, कश्मीर में। उसी के समय में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ईसा पूर्व में 6ठी सदी में विश्व की प्रथम, सबसे पहले गणतंत्रात्मक कहाँ हुआ था। ये तो मेनली पता ही होगा आप लोगों, बिहार से बिलोंग करते, वैशाली में।